बसमिल रहीम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रुशी का ये बहुत ही सिंपल और इजी चेन फ्लावर बनाना सिखाऊंगी तो फ्रेंड्स मैं अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दो कॉटन के अनबाल यूज़ कर रही हूँ येलो और वाइट कलर के इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए हमें यह नीडल की सीजर की और कृषि हुक की ज़रूरत है मैं फाइव मिलीमीटर मीटर हुक यूज़ कर रही हूँ अगर वीडियो में विजिबल नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फ़ाइव मिलीमीटर मीटर हुक साइज़ है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिंगर के ऊपर यान को रैप करेंगे और क्रोशिया की मदद से स्लिप नॉट बना लेंगे स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने अपनी बेस चेन बनानी है फाइव सो चेन वन चेन टू चेन थ्री चेन फोर एंड चेन फाइव फाइव बेस चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे सर्कल बनाने के लिए और इस सर्कल के ऊपर अपने फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे हमने अपने फर्स्ट राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाना है तो हम चेन वन इंक्रीज बनाएंगे और टोटल हमने थर्टीन सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं हम एक, इस स्टार्टिंग यहाँ टेल को इस तरीके से सेंटर में रखते हुए अपने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस को बनाएंगे सिंगल क्रोशिया वन सिंगल क्रोशिया टू सिंगल क्रोशे थ्री सिंगल क्रोशे फोर सिंगल क्रोशे फाइव सिंगल क्रोशे सिक्स सिंगल क्रोशे सेवन सॉरी यहाँ याटेल को इस तरीके से होल्ड कर लेंगे हैंड से ताकि ये बार बार आगे ना आए सिंगल क्रोशे सेवन सिंगल क्रोशे एट सिंगल क्रोशे नाइन एंड सिंगल क्रोशे टेन सर्कल के ऊपर स्पेस बनाएंगे सिंगल क्रोशे इलेवन सिंगल क्रोशे ट्वेल्व एंड सिंगल क्रोशे थर्टीन सो फ्रेंड्स ये मैंने थर्टीन सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना ली हैं अगर आप लोग मजीद पेटल्स बनाना चाहें तो आप लोग यहाँ पे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस को इंक्रीज कर सकते हैं और अगर कम पेटल्स बनाना चाहें तो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है मैं क्रुशियो की मदद से स्लिप स्टिच करने के बजाय अपने एक्स्ट्रा यार्न टेल को कट कर लूँगी और इसको नीडल की मदद से नीट करूँगी ताकि यहाँ पर मेरा चेन लूप का एंड बने एक नीट और फाइन एंडिंग के लिए तो मैं इस तरीके से इस लूप को पुल ओवर करूँगी और इस यान टेल के अंदर से निडल को गुजारूंगी और निडल को गुजारने के बाद हमारी जो वेरी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच है बैक साइड से हमने इस तरीके से इसकी बोथ लूप के अंदर से अपनी निडल को गुजारना है और निडल को गुजारने के बाद जो हमारी लास्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसके अंदर से गुजारते हुए हमने नीडल को बैक साइड पर लेके जाना है तो इस तरीके से चेन लूप का एक फाइन साइड बनेगा अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बैक साइड की एक लूप के अंदर से गुजारेंगे और इस तरीके से नॉट बनाएंगे ताकि हमारा वर्क सिक्योर रहे और लूज़ ना हो उसके बाद हमने निडल की मदद से यान को कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारना है और कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारने के बाद हमारा जो स्टार्टिंग यान टेल था और ये जो एंडिंग यान टेल है निडल को रिमूव करके हम इन दोनों यान टेल को कट कर देंगे और कट करने के बाद ये हमारा फ्लावर का सेंट्रल सर्कल पार्ट बन गया है इसके ऊपर हमने पेटल्स बनानी है चेन की जिसके लिए मैं वाइट कलर का यान यूज़ करूँगी तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट कलर के यान से इस तरीके से क्रूशे हुक की मदद से फिंगर्स पे रैप करते हुए यान को स्लिप नॉट बना लेंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद इस लूप के अंदर से अपनी हुक को रिमूव करेंगे और किसी भी सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर से हमने इस तरीके से हुक्का गुजारना है और बाइक साइड से इस लूप को अपसाइड पर लेके आना है और अपसाइड पर लाने के बाद हमने चेन थर्टीन बनानी है अपनी फर्स्ट पैटल को बनाने के लिए तो हम इस तरीके से अपनी चेन से स्टार्ट करेंगे चेन वन चेन टू चेन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन चेन बनाने के बाद सेम इसी सिंगल क्रोशे स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना लेना है हमने इस स्टार्टिंग यान टेल को इस तरीके से, से सेंटर में रखना है ताकि हमें इसे अलग से ना करना पड़े हमारी फर्स्ट पैटर्न बन गई है अगेन सेकंड पैटर्न बनाने के लिए उससे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन थर्टीन बनाएंगे चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन थर्टीन चेंज बनाने के बाद अगेन सेम स्टिच के अंदर सेकंड सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना लेना है अपनी इस सेकेंड पैटल को फिनिश करने के लिए और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा याटेल को बैक साइड पे रखा हुआ है इस तरीके से थर्ड सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और अगेन चेन थ्री से अपने थर्ड पैटर्न को बनाएंगे सो चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन चेन्स बनाने के बाद सेम थर्ड सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे अपने इस थर्ड पैटल को फिनिश करने के लिए और अगेन हमने फोर्थ पैटल को बनाने के लिए स्लिप स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ स्टिच है इस फोर्थ स्टिच में स्लिप स्टिच बनानी है और फोर्थ स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन चेन थर्टीन बनानी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन और थर्टीन चेन्स बनाने के बाद सेम फोर्थ चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना लेना है अपनी इस फोर्थ पैटल को फिनिश करने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी चेन पैटल हैं आप लोग इसी तरीके से अपने सर्कल के ऊपर तमाम चेन पेटल्स को बनाएंगे तो फ्रेंड्स जी देखें मैंने ऑलमोस्ट तमाम बना लिए हैं लास्ट रहती है मैं इस लास्ट टू को आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी नेक्स्ट हम सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे अपनी सेकंड लास्ट पेटल को बनाने के लिए और स्लिप स्टिच बनाते हुए अगेन हमने चेन थर्टीन बनानी है सो चेन वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन थर्टीन चेंज बनाने के बाद अगेन सेम चेन स्पेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे और उससे नेक्स्ट जो हमारी लास्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन चेन थर्टीन बनाएंगे चेन थर्टीन बनाने के बाद सेम सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे अपनी इस लास्ट पैटल को फिनिश करने के लिए अपनी इस लास्ट पैटल को फिनिश करने के बाद हमने अपनी फर्स्ट पैटल और लास्ट पैटल को आपस में कनेक्ट करना है जिसके लिए ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसके अंदर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक्स्ट्रा यार्न टेल को पुल ओवर कर लेंगे पुलोवर करने के बाद हमने इस या उनको कट कर लेना है और कट करने के बाद हमने निडल की मदद से इसको बैक साइड पे स्टिच कर लेना है मैं क्रोशे हुक की मदद से इसको बैक साइड के स्टिचेस के अंदर से गुजार रही हूँ अगर आप लोग यहाँ नीडल की मदद से इसको गुजारना चाहें तो नीडल की मदद से भी गुजार सकते हैं या फिर स्मॉल साइज के क्रशे हुक की मदद से भी गुजार सकते हैं इस तरीके से इस तरीके से आप लोगों ने कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारना है और कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारने के बाद हम इस एक्स्ट्रा यहां को अगेन कट कर देंगे तो हमारा बहुत ही सिंपल और इजी चेन पेटल का फ्लावर रेडी हो जाएगा जो सनफ्लावर से सिमिलर है इसको आप लोग कनेक्टेड बनाते हुए ब्लैंकेट्स और पिलो बना सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लगते हैं बने हुए तो अगर आप लोगों को ये फ्लावर पसंद आया हो तो आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे अगर आप लोग इन्हें अपने क्लॉथ्स के ऊपर अटैच करना चाहें बैग्स के ऊपर अटैच करना चाहें तो उस तरीके से भी आप लोग इस फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजीली बन जाने वाला बहुत ही नाइस फ्लावर है आप लोग इसे डिफरेंट कलर के यान से बना सकते हैं अगर आप लोगों को ये टू कलर कंट्रास्ट के अलावा किसी और कलर कंट्रास्ट में बनाना हो तो आप लोग उससे भी बना सकते हैं बहुत ही प्यारे और नाइस लगते हैं इसके पेटल जो कि बहुत ही सिंपल और इजरी बन जाते हैं तो अगर आप लोगों को ये फ्लावर पसंद आया हो तो ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अला हाफेज